हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ फॉर अ स्पेशल रिचुअल जो कि हमारे यहाँ पे होता है, एंड दैट इज बासोड़ा पूजन। और ये ठंडा बासोड़ा होता है, सीली साते बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, से सीली साते बोलते हैं। जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है बाकी सारी वो मम्मी देगी, बिकॉज मुझे भी उतना कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमारे यहाँ पे हर साल ये सेम रिचुअल होता है, तो मैं इस साल आपको अपनी सारी रिचुअल्स वाली चीजें दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। यहाँ बन रहे हैं मीठे चावल, चावल उबल रहे हैं अभी, इसके अंदर हम थोड़ी देर में डालेंगे ब्राउन शुगर। ये दूसरी साइड गैस पे बन रहे हैं, इसे बोलते हैं पूड़े। आपकी लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर हमारी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं पूड़े। सारे हम ऑलमोस्ट बना चुके हैं, एंड हमने भिगोए हैं चने। हमारे गाँव में इसको गुलगुले भी बोलते हैं, इसे गुलगुले भी बोला जाता है। हम इसको शाम को बनाते हैं और सुबह भी ठंडा भोजन माता रानी का भोग लगाते हैं। सुबह 4 बजे हम निकल जाएंगे भोग लगाने के लिए। हमारे 3 माता पूजते हैं, गुड़गामी वाली, सुगानी वाली और मारापुर वाली, तीनों माता का भोग लगाएंगे। हाँ, ये सारा खाना हम रात को ही बनाते हैं क्योंकि अगले दिन हमारे यहाँ पे पूरा दिन चूल्हा नहीं जलता है। पूरा दिन जो रात को बना हुआ था खाना, हम ऑलमोस्ट वही खाना पूरा दिन खाते हैं, रात को जाके कहीं हमारे यहाँ पे चूल्हा जलता है। हम इसमें डालेंगे अभी शक्कर, ये शक्कर जाएगी सारी चावलों के अंदर, बिकॉज मीठे चावल बनाए जाते हैं तो शक्कर का होना इम्पॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ब्राउन शुगर। मॉर्निंग में उठना पड़ेगा अप्रॉक्स 4 बजे के आसपास, हमें उठ के यहाँ से रेडी होके देन हमें जाना है। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे उठना है सुबह, और अभी बज रहे हैं 10:30। अभी हमारा खाना बन रहा है, तो हम मैक्स टू मैक्स मुश्किल से 2 या 3 घंटे की नींद होती है पूरी। फिर उसके बाद हम उठ के रेडी होके जाएंगे माता के यहाँ पे पूजा करने के लिए। सुबह के टाइम बहुत लंबी लाइन लग जाती है हमारे गाँव में। हमारे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है। मैं बहुत छोटी थी, आई गेस 6th या 7th क्लास में थी मैं, तब गई थी वहाँ पे। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे पूजा करने के लिए, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है तो जाके हमारा नंबर आता है, तो इसलिए हमें मॉर्निंग में आना पड़ता है जल्दी। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, मैं आपको मॉर्निंग में सारी चीजें दिखाऊंगी कि कितनी लंबी लाइन होती है, कहाँ कहाँ पूजा होती है, क्या क्या पूजा होती है, क्या क्या सामान होता है, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी चीजें बनानी है। अगर हो पाया तो सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर लूंगी आप लोगों के लिए। शुगर डल चुकी है, ब्राउन शुगर डल गई है इसमें, काफी अजीब सा कलर आ गया इसका, ब्राउन ब्राउन सा, पूरा ब्राउन हो गया। खाना सारा बन चुका है, अभी टाइम हो गया है सोने का, इट्स ऑलमोस्ट 11 और अभी हम सो रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको मॉर्निंग में दिखाती हूँ। सुबह उठने के बाद हालत इतनी बुरी हो रखी थी ना मेरी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उठने के, पर उठना पड़ा क्योंकि पूजा करनी थी। और हम लोग देखो, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हम 3 ही परिवार के लोग थे। और हमने यहाँ पे हम पहुँचे, हमने यहाँ पे पूजा करी। इस साइड पे हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, मतलब थोड़ी बहुत होती है नॉर्मल, पर आज तो कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। दीप्ति मम्मा एंड भाभी हमारे यहाँ पे पूजा कर रहे थे उस टाइम पर, देखो कोई नहीं था, इतना सुनसान रोड था, कोई भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे, और पूरा इतना खाली था और इतने मच्छर थे ना, बाय गॉड मन तो हो रहा था आग लगा दूँ वहाँ मच्छरों में, इतना दिमाग ख़राब कर दिया। फिर हम पहुँचे दूसरी जगह पर, यहाँ पर होती है लाइन। हम जल्दी उठ गए थे तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ ये हुई कि हमें लाइन ज़्यादा लंबी नहीं मिली, थोड़ी सी लाइन मिली। फिर उसके बाद मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी और जो भी हमने भोग बनाया था वो हमने माता को चढ़ाया था। इतनी रात को ऐसी जगह कोई आया है, डर के मारे मैं तो पागल हो जाऊँ कभी जिंदगी में ना हूँ। ये लास्ट जगह थी जहाँ पे माता को भोग लगाया गया था, जहाँ पे होलिका दहन होता है, जहाँ पे होलिका हमारे यहाँ पे जलाई जाती है, सबके एरियाज में जो जो जहाँ जहाँ पे जलाई जाती है, ये पूजा हमें वहाँ पे करनी होती है। तो यहाँ पे मम्मा भाभी और दीप्ति तीनों पूजा कर रहे थे, एंड ये लास्ट में हमारे यहाँ पे इसको बोलते खेतरी करना, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पानी के साथ अन्न को, मतलब गेहूँ या चने को थोड़ा मिक्स करके वहाँ पे ऐसे खेत की, जैसे खेत में फसल लगाते हैं वैसे इसमें लगाया जाता है, ताकि हमारे घर में थ्रू आउट द ईयर अच्छा अनाज रहे, कभी कमी ना हो उस चीज़ की। और यहाँ घर में एंट्रेंस से पहले थोड़ा सा जल को सिलाया जाता है, सिलाना मतलब पानी को थोड़ा सा गेट के दोनों बॉर्डर पर डाला जाता है। दिस इज इट फॉर टुडे, दीज आर द रिचुअल्स जो हमारे यहाँ हर साल होते हैं। लाइन उतनी लंबी नहीं थी, एक जगह पे थी क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, अदरवाइज अगर थोड़ा सा और लेट जाओ तो आपको अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 1 आवर लग जाता है उसी जगह पे। और अभी मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय, लव यू ऑल।